ज महाकाल शेट ठोक लीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा सो हेअल व्हाट्सअप गाइज कैसो आपसे उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे सो so गाइज यार आ गये एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ सो so इस वाली वीडियो में गाई जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा ना वो वाला वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज्यादा वायरल हो रहा था एंड आप भी स्टेटस बना के डाल सकते हो ठीक है so सो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को जरूर से करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वरना डिसलाइक भी कर सकते हो सो गाई यार आपकी मर्जी जो मर्जी करके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आपको क्या करना पहले मटेरियल्स को डाउनलोड कर लेना है एंड फोटोज करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं वहां पर एच क्वालिटी में आपको सारे इमेजेस प्रोवाइड कर देता हूं जो मैं यूज करता हूं ठीक है so, सो सबसे पहले आपको करना लाइट मोशन को ओपन करना प्लस के राइट से मे प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर जाएंगे एंड पहले आपको जो बीट मॉक वाला प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा जहां पे मैंने सारे लाइक सीख के रखे हैं आपको कोई मेहनत नहीं करना बस आपको फोटोज वगैरह को इंपोर्ट करना बट फोटोज इंपोर्ट करने से पहले हम उसको क्रॉप करेंगे सो so क्रॉप कैसे करना आपको लाइट मोशन से मैं बताता हूँ और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है मतलब कि अदर्स ऐप भी है तो जाके ईजिली से क्रॉप कर सकते हो सो क्रॉप कैसे करना आपको सिंपल से प्रोजेक्ट में आ जाना जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट शो होते हैं देन आपको क्या करना यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना एंड नाइन्टी टू सिक्सटी वाला रेशियो लेना है देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना एंड देन आपको क्या करना इमेज को इम्पोर्ट करना सो so, इसके लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना मीडिया के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ से इमेज लेने के बाद आपको थिएटर पर टैप करके फील्ड कॉम्पोजिशन करना एंड मूवमेंट ट्रांसफर में जाकर इसको जूम वगैरह करके इजिली सेट कर सकते हैं देन थोड़ा सा

टैप कर देंगे सो so, इसी टैप से गए आपको चार फोटोज को क्रॉप कर लेना है so, सो फोटोज़ क्रॉप करने के बाद आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना एंड देन आपको बीटमॉक वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना एंड यार यहाँ पे आपको फोटोज़ को कैसे इंपोर्ट करना फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने तो आता ही है बट देखें यहाँ से स्टार्ट होना एंड गाइज आगे बताता दो सबसे पहले क्या करना इस वाले पे टैप करना एंड देन गाइज आपको यहाँ पे लेयर पे टैप करना एंड देन गाइज आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया पे टैप करना और एक इमेज को इंपोर्ट करना बट यहाँ से नहीं करे आपको अब आप लाइट मोशन का फोल्डर सेलेक्ट करना एंड जिस भी फोल्डर में आपने मतलब कि एक्सपोर्ट करके रखा हुआ जहाँ पे भी आपने किसी और ऐप से किया वो सारे फोटो को सिलेक्ट करें एंड सिंपल से क्या करना आपको इमेज सब इमेज को सिलेक्ट करना देन प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना ये आ जाएगा देन अगले वाले पे आ जाना एंड देन इस पर वापस से टैप करना एंड यहाँ पे कलर फिल ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे सेलेक्ट मीडिया पर टैप करना एंड देन गाइज यहाँ पे इमेज सेम इमेज को इंपोर्ट करना जो आपने प्रीवियस में इंपोर्ट किया था ठीक है सो यहाँ पे वापस से इंपोर्ट करना उसी वाले इमेज को तो यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से कर लिया एंड देन स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे एंड यहाँ पे भी सेम तो यहाँ पे क्या करना प्लस यहाँ पे कलर फिल के ऑप्शन में जाना एंड सेलेक्ट मीडिया पर टैप करना एंड यहाँ से आपको क्या उसी इमेज को सेलेक्ट कर लेना सो गाइज एक इमेज को आपको कहाँ से करना ठीक है एक इमेज को यहाँ से स्टार्ट होना गाइज कुछ इस वाले डोरेशन से एंड स्लाइड कर जाता आगे और इस वाले ड्यूरेशन तक दब, जहां से डबल वाला मतलब कि डबल डबल आ जाएगा ना यहाँ पे लेयर वहां से इमेज को चेंज करना एंड अगले डबल तक आपको इमेज नहीं चेंज करना फिर जहां से डबल आ जाएगा लेयर वहां से इमेज चेंज कर देना ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ एक इम्पोर्ट करके तो सिंपल से मैंने कुछ हिसाब से किया दिन इस पर टैप करूंगा वापस से कलर एंड फिल्ड ऑप्शन में जाऊँगा सेलेक्ट मेरे पे टैप करके एंड यहाँ से वो वी इमेज को से सेलेक्ट किया देन करके और जाएंगे और सेम प्रोसेस सेम इसी टाइप से आपको सभी इमेजेस को इंपोर्ट करना तो यहाँ से मैं आपको एक बार ना इंपोर्ट करके बता देता तो आगे, आगे आपको पता लग जाए ठीक है तो यहाँ पे मैंने सिंपल से इस से किया एंड यहाँ पे कुछ इस से एंड देन गाइस देख सकते हैं हमारा जो एक इमेज का काम खत्म हो गया यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड अगले डबल लेयर तक वेट किया ठीक है तो यहाँ पे डब, डबल लेयर आ गया अब यहाँ से इमेज चेंज करेंगे तो सिंपल से लेयर पर टैप करेंगे कलर फिल ऑप्शन कपलेक्ट इमेज पर टैप करेंगे एंड यहाँ पे अगले इमेज को सिलेक्ट कर uh, मतलब कि इंपोर्ट कर लेंगे तो सिंपल से से आ गया सो इसी टाइप से गाइस आपको समझ आ गया होगा एंड अगले इमेज तक आपको कुछ इस डोरेशन तक आपको इमेज आप को चेंज नहीं करना ठीक है यहां से आपको थर्ड वन को लगा लेना तो फाइनली आपका जो वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा so देख सकते हो एंड सेटिंग पर लग जाएगा और जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा थोड़ा सा रेजोलेशन को कम कर ले ताकि आपका जो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए एंड फोन के हिसाब सेट कर सकते हो सो यार किस लिए आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे जो भी हमेज पर वाले तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें सो मैं मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बाय बाय